Figure shows two spheres uniformly charged with volume charge density rho and minus rho respectively. Their centers are at separation A and the overlapping region is free of charge. Find the electric field strength at a general point P inside the overlapping region. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. सो मेरे पास एक स्फीयर है ऐसा, ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है और इनके सेंटर्स के बीच की दूरी हमें दे रखी है ए. इसमें भी चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पर ये जो बीच का पोर्शन है इसमें नो चार्ज, यहाँ पे चार्जलेस पोर्शन है. हमें कहीं पर भी रैंडम पॉइंट ले लीजिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, हमने यह निकाल लिया, कहीं पर भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे पहले तो हमें चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, हम पता होना चाहिए कि रो के फॉर्म में, रो के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. नॉर्मली हमको पता है कि अंदर फॉर्मूला होता है क्योंकि अंदर का पॉइंट है ना, ये अंदर का पॉइंट है, तो अंदर फॉर्मूला क्या होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ये इनसाइड पॉइंट होता है के क्यू के फॉर्म में. और अगर हम उसको रो फॉर्म में निकालना चाहें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन रो इनटू वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई आर क्यू, ठीक है, इन सॉरी पूरा रेडियस लेना पड़ेगा आर क्यू इनटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यू, तो 4 पाई आर क्यूब तो गया. व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन. ये रो के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तो ये फॉर्मूला आपको टिप्स पर होना चाहिए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा. अब मान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर, तो सारे चार्जेस की वजह से, क्योंकि हम अगर प्लस लेके चल रहे हैं कुछ दिया तो प्लस लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऐसे ही इस तरफ. और डिस्टेंस कितना लेना है, मान लीजिए डिस्टेंस है आपका एक्स, वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए ऐसे, ये तो हम वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहे हैं पर डिस्टेंस तो एक्स तक लिया जाएगा, ठीक है. तो ये हम लिख सकते हैं यहां पे कितना हो गया, ई इक्वल्स टू रो एक्स वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं इस पर क्या लिखना है. सेंटर का सेपरेशन ए एंड ओवरलैपिंग रीजन, अच्छा दूसरे में डेंसिटी माइनस है, ये दिया हुआ है एक्चुअली, दूसरे स्फीयर में डेंसिटी माइनस है, तो ऑब्वियसली सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो अंदर की तरफ आना चाहेंगी, अंदर की तरफ. लेकिन ध्यान रखें जो रेडियल वेक्टर होता है वो तो बाहर होता है, ये बिल्कुल ना भूलें. भली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी पर रेडियस वेक्टर तो बाहर ही होगा ना, हम इसको ऐसे वाई लिख सकते हैं. तो हम इस स्फीयर की वजह से फील्ड लिखेंगे, सपोज स्फीयर वन है और ये स्फीयर टू है, तो लिखेंगे हम रो, ध्यान से लिखना वाई बाय 3 एप्सिलॉन, लिखना हमको ऐसे ही है पर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है. तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और यहां पर आ गई है इस पॉइंट पे, तो वेक्टोरली ऐड कर दीजिए सिंपली. ध्यान रखें ये हमें जो दे रखा है ये ए है, अब इनको वेक्टोरली ऐड करते हैं, क्या आएगा रो एक्स नीचे जा रहा है, ये आएगा टोटल पी पॉइंट पे जनरल पॉइंट, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द क्वेश्चन. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक मांगता है, x माइनस वाई, ठीक है. अब व्हाट इज x माइनस वाई, सी ये तो हमारे पास y है, अगर नोटिस करें यहां पे देखें ये हमारा x है और ये हमारा y है, उल्टा है ना. लेकिन अगर माइनस वाई ले तो ऐसा हो जाएगा, और आप खुद देख सकते हैं ट्राइंगल लॉग हिसाब से x उल्टा वाला माइनस वाई है, x माइनस वाई विल बिकम a, ठीक है. यू कैन राइट ई पी इक्वल्स टू रो बाय 3 एप्सिलॉन ए, एंड दैट इज द आंसर. नॉट जस्ट दैट, हमने ये भी देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है ए, तो देखेगी कैसे बनी हुई, ये मैं दिखाता हूं कैसे बनती हुई दिखेगी. वैल्यू तो आ गई मेरे पास रो ए बाय 3 एप्सिलॉन, दिखेगी कैसे, अंदर चार्ज तो है नहीं लेकिन पैरेलल टू द सेपरेशन लाइन बिटवीन द टू सेंटर्स है, इट विल बी लाइक दिस हर जगह, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड दिस रीजन ओवरलैपिंग रीजन.